Hello friends, today in this video lecture we will study about the electric potential energy. We all are well known from this term. Potential energy. सारे लोगों को जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. अभी तक हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यही पढ़ा है कि एनर्जी पजस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन. सिंपली हम लोग इसके बारे में क्या पढ़े हैं, तो वर्च्यू ऑफ पोजिशन, किसी ऑब्जेक्ट में उसके पोजिशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी. तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब भी वही होता है? बिजली कुछ मिलता जुलता तो है तभी इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ स्पेशल मीनिंग की ओर हम लोगों को लीड करता है. तो इलेक्ट्रिक जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी पजस्ड बाय अ बॉडी, उसी तरह से जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो बोलेंगे कि एनर्जी पजस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ चार्ज. क्या बोलेंगे, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे एनर्जी पजस बाय अ सिस्टम ऑफ चार्ज, अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, देन दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. जब कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस अपने पोजिशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी को कैरी करता है, जो स्टोर करता है, जो पजस करता है, तो वैसे एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड में गिरा हुआ होता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, एम जी एच. जब वो ग्राउंड पे है तो ग्राउंड लेवल से इसका हाइट ही जीरो है, तो ऑब्वियसली इसका जो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा क्या होगा, जीरो होगा. इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. लेकिन जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर के हाइट पर लिफ्ट करते हैं, 10 मीटर के हाइट पे लिफ्ट करते हैं, तो क्या होता है, इस पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, इस पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है. तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़े हैं कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. तो फिर इसमें पोटेंशियल एनर्जी आया कहां से क्रिएट हो गया, उसमें क्रिएट नहीं हो सकता है. तो क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को जो कि अभी तक ग्राउंड में गिरा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लिफ्ट करने में जो वर्डन करना पड़ा, वही वर्डन क्या होता है, तो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है. किसमें, बॉडी में. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन हम लोग को यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नहीं पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है किसको, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑब्वियसली जिस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ये क्या हुआ, तो यही वर्डन जो उसको लिफ्ट करने में लगा, वही वर्डन क्या हुआ, एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया. तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्रिएट नहीं हुआ, ये भी कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन है. तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हम लोग देखेंगे, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है. तो हम लोग जानते हैं कि सपोज ये कोई चार्ज क्यों, हम लोग जानते हैं इस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सपोज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, सपोज ये इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी से कोई दूसरा, या इन्फिनिटी में कोई दूसरा चार्ज है क्या, क्यू, और इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को, इस पॉइंट चार्ज को हम लोग क्या करना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर लाना चाहते हैं. क्या ऐसे ही ला पाएंगे क्या, नहीं. क्या करना पड़ेगा, तो वर्डन करना पड़ेगा. यहां पे भी वर्डन करना पड़ रहा है, जिस तरह से वहां पे ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए वर्डन करना पड़ा था, बिल्कुल यहां पर चार्ज को इन्फिनिटी से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए भी क्या करना पड़ रहा है, तो वर्डन करना पड़ रहा है. और यही वर्डन क्या होता है, तो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है. किसमें, तो चार्ज में, सिस्टम ऑफ चार्ज में, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. जिस तरह से वहां ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में लगा था वर्डन करना पड़ा, उसी तरह से यहाँ पे चार्ज को इन्फिनिटी से इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में
वर्किंग को करना पड़ा और वही वर्किंग क्या होता है तो ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कि तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्ज, सबसे पहले अभी हम लोग आज पढ़ेंगे कि जब दो चार्ज का सिस्टम होगा, ठीक है, टू पॉइंट चार्जेस का सिस्टम होगा, पॉइंट चार्ज करेंगे टू पॉइंट चार्जेस, तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहां पे चार्ज का जो सिस्टम है उसमें कितना पॉइंट चार्जेस है, तो टू पॉइंट चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज को कंसिडर करते हैं कि ये कोई एक पॉइंट चार्ज है क्या, तो क्यू वन, ठीक है, ये कहां पे प्लेस है, तो किसी एक पॉइंट पी वन पे प्लेस है। अभी सपोज इस चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से ही लाए, इन्फिनिटी से ही लाए, क्या इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में कोई वर्णन करना पड़ेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इस चार्ज को हम लोग किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं ला रहे हैं, इसलिए कोई वर्णन नहीं करना पड़ेगा। क्या समझ में आया कि इस चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट P1 तक लाने में कोई वर्णन नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इसको हम लोग किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं ला रहे, इस मूवमेंट को अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या हो जाएगा, तो W1 इक्वल टू जीरो, W1 मीन्स वर्डन इन कैरिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P1। अब हम लोग दूसरे पॉइंट चार्ज की बात करें जो कि अभी इन्फिनिटी में, दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है Q2 जो कि अभी कहां पे है, इन्फिनिटी पे, ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज Q2 को हम लोगों को इस पॉइंट पर लाना है, यहां पे इस पॉइंट को क्या लाना है P2, दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट कहां तक लाना है, P2 तक लाना है, जो कि इस चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस बार ओवरटर्न करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट P2 है ये चार्ज Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो ऑब्वियसली ये इसके मूवमेंट को अपोज करेगा, ये इसके मूवमेंट को अपोज करेगा, और हम लोगों को उस अपोजिशन के अगेंस्ट में ओवरटर्न करना पड़ेगा, तभी इस चार्ज Q2 को हम लोग इस पॉइंट P2 तक ला सकते हैं। तो कितना ओवरटर्न करना पड़ेगा, यहां से यहां से यहां तक लाने में क्या करना पड़ेगा, तो ओवरटर्न करना पड़ेगा कितना, तो W2, W2 भी क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू द चार्ज Q1, याद रखना है भी के बारे में अभी तक बताया नहीं है, भी क्या है, तो भी क्या है, तो इस Q1 के कारण पॉइंट P2 पे पोटेंशियल का वैल्यू है, Q2 क्या है, क्या है, तो इस चार्ज Q1 के कारण पॉइंट P2 पे क्या पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है, तो W2 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो V Q2, जबकि हम लोग जानते हैं V इसके कारण यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, अभी सब छोड़ देंगे, किसने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस, सपोज इसके डिस्टेंस को अभी हम लोग नजर कर रहे हैं, इसका डिस्टेंस को क्या नाम दे रहा है R12, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज वन Q1 एंड Q2, ठीक है, तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
q1 by r1 2 into q2। यदि हम लोग इसको ढंग से अरेंज करके लिखे हैं तो w2 को क्या 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 वैल्यू मिलेगा, तो 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r1 2 ये वैल्यू मिलेगा w2 का। ठीक है, तो टोटल कितना वर्किंग करना पड़ा, टोटल वर्किंग क्या होगा, w1 प्लस w2, ये तो इसलिए जीरो है, तो टोटल वर्किंग भी क्या हो जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r1 2। ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यही वर्क डन क्या होता है, उस सिस्टम के एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, इसलिए इसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गया, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r1 2। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि जब थ्री सिस्टम ऑफ मतलब सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस होगा या सिस्टम ऑफ एन चार्जेस होगा तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको हम लोग अगले दिन करेंगे। क्या ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन आएगा q1 q2 q3 आ जाएगा या कुछ और आएगा, क्या आएगा, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।